चलो भैया। अच्छा आंटी जी, हम लोग चलते हैं। हाँ हाँ ले जाओ, तुम्हारी बहन है, मेरे बोलने से क्या होता है। वैसे एक बात कहूँ, लाशरम तो रही नहीं तुम्हें, मुंह उठाए चले आते हो। लेकिन आंटी जी आप ऐसा क्यों कह रहे हो? और क्या कहूँ, कौन भाई आता है रोज रोज मुंह उठा के अपनी बहन के घर? जब अपने घर रखने का इतना ही शौक था, फिर इसकी शादी क्यों की? फिर अपने घर ही रख लेते इसे रकात को सजा के। अरे वो ना आंटी जी, हमारे घर में पूजा है तो पापा ने बोला अगर सिल्की हमारे साथ होती तो बहुत अच्छा होता, और आफ्टर ऑल सिल्की हमारे घर की लक्ष्मी है, और अगर ये हमारे साथ पूजा में बैठेगी तो हमें और अच्छा लगेगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी तो इसे ऐसा कह रहा है जैसे इसके कितने शुभ चरण है। अब वैसे बताऊँ, इसकी शादी से पहले भी हम 3 BHK में रह रहे थे और इसकी शादी के बाद भी 3 BHK में रह रहे। अगर इसके इतने शुभ चरण होते ना तो आज हवेली में ना होते हम। लक्ष्मी देखिए आंटी जी, अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ और मैं चला जाता हूँ, कोई बात नहीं। और रही बात सिल्की की, तो मैं इसको यहीं छोड़ के चला जाता हूँ, कोई बात नहीं। बात वो नहीं है, इसे लेके जाओ या छोड़ के जाओ, पर तुम तो हर चौथे दिन आ जाते हो मुंह उठा के इसको लेने, और तमीज़ नहीं है बिल्कुल भी। वैसे हो तो तुम बदतमीज ही। बेटा एक बात तो सुनी होगी, पुरानी कहावत है, बहन के यहाँ भाई कुत्ता और ससुराल में जवाई कुत्ता, कुत्ते होते कुत्ते। लेकिन तुम्हारे कल्चर में ऐसा कहाँ है? तुम तो हर चौथे दिन आओगे, खाओगे, पियोगे, ठूसोगे, फिर इसे लेके जाओगे। तुम तो ये भी सोचते हो कि शाम का भी बांध के ले चलें। मम्मी जी, मेरा एक ही भाई है, अगर 2-3 महीने में एक बार ये आ जाता है तो कौन सा पहाड़ टूट जाता है। देखो बेटा देखो, कैसे जुबान चल रही है इसकी कैंची की तरह। यही संस्कार सिखाए हैं तुम्हारे माँ बाप ने इसे? अरे बेटे मैं तुझे क्या बताऊँ, मैंने अपने बेटे को बहुत समझाया, ज़्यादा पढ़ी लिख की बुलाने की जरूरत नहीं है, सूरत के साथ साथ सीरत भी तो होनी चाहिए। मेरे को क्या पता था मेरे कर्म में यही बहू लिखी थी जो इसे ला के मेरे मत्थे मंड दिया। मम्मी जी अब ना आपका बहुत ज्यादा हो रहा है, एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, मैं अपने घर वालों की बिल्कुल भी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे बहू, मैं तेरे भाई की बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, ये तो रोज आ जाता अपनी बेइज्जती कराने। और हाँ, इसको मैं बहुत देर से सुनाई जा रही हूँ, कहे जा रही हूँ, ये बहुत देर से यही बैठा है, लाशरम तो इसको रही नहीं। आंटी जी, ये सिल्की कहाँ चली गई? बेटा मुझे लगता है वो नहीं जाएगी तुम्हारे साथ, इसे पता चल गया है सही क्या है गलत क्या है, इसलिए तुम भी उठाओ इस मुंह को और निकलो यहाँ से। चलो चलो, मेरा मुंह क्या देख रहा हो, निकलो। ठीक है आंटी जी, मैं चलूँगा। चलो भैया। चलो कहाँ चलो? अपने घर। अरे तेरा दिमाग खराब है, वो तेरा घर नहीं, ये तेरा घर है, मायके में बसने का इरादा है क्या? मम्मी जी, घर कहने से घर नहीं हो जाता। आप कब से मेरी भाई की बेइज्जती करे जा रही हो और मैं खड़ी खड़ी सुन रही हूँ। मेरा भाई ये सब कुछ इसलिए सहन कर रहा है क्योंकि उसको पता है उसकी बहन इस घर की बहू है। और मम्मी जी, अगर आपके अंदर हिम्मत है ना, तो अपनी बेटी के पति अपने दामाद को बोल के दिखाइए ये सब कुछ। आपकी भी तो बेटी है, महीने में 10-10 दिन रुक के जाती है, पापा भी उसको लेने जाते हैं, वहाँ खा के आते हैं, पी के आते हैं, सब कुछ करके आते हैं, और कभी कभी तो रात भी रुक के आते हैं, जब तो आपके कायदे कानून नहीं होते। और मेरा भाई 2 महीने में एक बार मुझे लेना आ जाता है तो आपके कायदे कानून खड़े हो जाते हैं। और हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, वो तो आपकी बेटी है, उसके लिए कायदे कानून कहाँ से आएंगे? सिल्की छोड़ ना, रहने दे। क्यों रहने दूं भाई, आपको पता है मम्मी जी ने ना अभी कुछ टाइम पहले एक कुत्ता पाला था और वो कुत्ता सोसाइटी में जाके कहीं खो गया था, तो मम्मी जी की तो जान ही निकल गई थी। ऐसे ही मम्मी जी, मेरे माँ बाप ने मुझे 20-25 साल पाला है। अरे मैं अपने भाई के साथ खेली हूँ, कूदी हूँ, पली बढ़ी हूँ, उसके साथ पढ़ाई की है मैंने। अरे मैं अपने घर वालों का जिगर का टुकड़ा हूँ मम्मी जी, और उन्होंने अपने जिगर का टुकड़ा आपको सौंप दिया। अरे आपको तो उनकी इज्जत करनी चाहिए और आप ऐसे उन्हें अपने घर बुला के उनकी बेइज्जती कर रही हो। ठीक है बहू, इतना चिल्ला के बात क्यों कर रही है, इतना नाराज क्यों हो रही है, बैठ के बात करते हैं। मम्मी जी आज तक बैठ के ही बात की है, हुआ है क्या कुछ? अब टाइम आ गया है मुझे डिसीजन लेने का। और हाँ, अगर इस घर में आप मुझे प्यार और इज्जत देंगी और जो कायदे कानून आपकी बेटी के लिए बने हैं वही कायदे कानून मेरे लिए बनेंगे, तो मुझे बता देना, मैं इस घर में आ जाऊंगी। चलो भाई,